स्टार्ट। हमारे समक्ष धारा 438 उपधारा 1 के अधीन जमानत के आदेश किए जाने के संबंध में कतिपय छोटे छोटे नमूनों के संबंध में कुछ विवेचन किया गया था। विराम, क्या लोक अभियोजक को सूचना दिए बिना उस धारा के अधीन कोई आदेश किया जा सकता है? ऐसा आदेश किया जा सकता है। विराम, किंतु सूचना लोक अभियोजक या सरकारी अधिवक्ता को तुरंत जारी की जानी चाहिए और जमानत संबंधी प्रश्न की पुनः परीक्षा पक्षकारों की संबंधित दलीलों की रोशनी में की जानी चाहिए। विराम, अंतरिम आदेश को भी उस धारा की अपेक्षाओं के अनुरूप ही होना चाहिए और उपयुक्त शर्तें उस प्रक्रम में भी आवेदक पर अधिरोपित की जानी चाहिए। विराम, क्या धारा 438 उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश के प्रवर्तन को निश्चित समय तक सीमित रहना चाहिए? यह आवश्यक नहीं है। विराम, यदि ऐसा करने के लिए कारण मौजूद है तो न्यायालय आदेश की परिधि के भीतर आने वाले विषय के संबंध में प्रथम इतिला रिपोर्ट के फाइल किए जाने के बाद भी संक्षिप्त कालावधि तक आदेश के प्रवर्तन को सीमित कर सकेगा। विराम, ऐसे मामलों में आवेदक को इस बात का आदेश दिया जा सकता है कि वह संहिता की धारा 437 या 439 के अधीन यथापूर्वोक्त प्रथम इतिला रिपोर्ट के फाइल किए जाने के बाद युक्तियुक्त रूप से संक्षिप्त कालावधि के भीतर जमानत का आदेश अभी प्राप्त कर ले। विराम, किंतु इस बात का अनुसरण अप्रवर्तनीय नियम के रूप में किए जाने की आवश्यकता नहीं है। विराम, प्रसामान्य नियम किसी कालावधि के संबंध में आदेश के प्रवर्तन को सीमित करना नहीं होना चाहिए। विराम, पैराचेंज, पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध की गई अपीलों की बाबत कार्यवाही करते हुए धारा 438 उपधारा 2 और 3 में उपवर्णित शर्तें अधिरोपित करके अनेक व्यक्तियों को अग्रिम जमानत अनुदत्त की है। विराम, इसके अलावा न्यायालय ने उन मामलों में से अधिकांश में यह निर्देश दिया है कि आवेदक को संक्षिप्त कालावधि के लिए पुलिस के समक्ष अपने आप को उस दशा में समर्पित कर देना चाहिए। यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन कुछ पता लगाया जाना है या यह कि उसकी बाबत यह समझा जाना चाहिए कि उसने उस दशा में स्वयं ही समर्पित कर दिया है, यदि ऐसा पता लगाया जाना है। विराम, कतिपय आपवादिक मामले में न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री को देखते हुए यह निर्देश दिया है कि अग्रिम जमानत का आदेश उसकी परिधि के भीतर आने वाले विषयों के संबंध में प्रथम इतिला रिपोर्ट के फाइल किए जाने के बाद 1 सप्ताह या उससे आसपास की कालावधि तक ही प्रवर्तन में रहेगा। विराम, कुल मिलाकर इन आदेशों में समाधानकारी रीति से कार्य किया है जिसके परिणाम स्वरूप संबंधित व्यक्तियों को कम से कम असुविधा हुई और पुलिस के अन्वेषण करने के अधिकारों में कम से कम
हस्तक्षेप हुआ है, विराम। न्यायालय ने व्यक्ति की दैहिक स्वाधीनता के अधिकार और पुलिस के अन्वेषण करने के अधिकार के बीच उन आदेशों के माध्यम से संतुलन कायम किया है जिन अपीलार्थियों को विभिन्न न्यायालयों ने अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था। उन्हें यह न्यायालय संहिता की धारा 438 उपधारा 1 के अधीन बहुत पहले ही छोड़ चुका है, विराम स्टॉप। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।